इधर मध्य प्रदेश में वोटिंग हो चुकी है, अब 3 दिसंबर यानी रिजल्ट डे का इंतजार है। लेकिन अगर वोटिंग ट्रेंड पर गौर करें तो इस बार कांटे की टक्कर दिखाई पड़ रही है। इस रिपोर्ट में समझेंगे कि हाई प्रोफाइल सीटों पर मुकाबला किस ओर जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में मध्य प्रदेश में इस बार 76.22% मतदान, प्रदेश में कांटे के टक्कर के आसार, वोटिंग ट्रेंड में किसकी बन रही सरकार। मध्य प्रदेश में इस बार 76.22% मतदान हुआ, ये आंकड़ा पिछले 4 चुनाव के मुकाबले सबसे ज्यादा है। लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले इसमें खास बढ़ोतरी नहीं, 2018 में वोटिंग प्रतिशत 75.63 था, इस लिहाज से पिछले चुनाव से 1% भी नहीं बढ़ा। अगर पिछले 4 चुनाव के वोटिंग प्रतिशत के पैटर्न देखें, तो पिछले चुनाव की तुलना में अंतर जितना कम बढ़ता है, सत्ताधारी दलों को सीटों का नुकसान उतना कम होने की आशंका रहती है। यानी इस बार पिछले चुनाव के मुकाबले 1% के आसपास ही अंतर है। ऐसे में सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच कांटे की टक्कर के आसार दिख रहे हैं। देखिए 4% के करीब वोट इस बार बढ़ा है और वो निश्चित तौर पर कांग्रेस के पक्ष में जाता दिख रहा है, क्योंकि कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार ने भरोसा जीता है और जनता आगामी चुनाव में उसका इंतजार कर रही है कि कैसे कमलनाथ मुख्यमंत्री बने और कांग्रेस की सरकार आए, क्योंकि जनता के राहत के फैसले इस सरकार ने लिए थे। 4% वोट बढ़ने के कारण हमें लग रहा है कि हम जीत की ओर अग्रसर हैं और हमने बड़ी ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ा है, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ। मध्य प्रदेश की 8 हाई प्रोफाइल सीटें जहां बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसद और 1 पार्टी महासचिव को उतारा, उनमें से 6 सीटों पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है जबकि 2 सीटों पर कम हुआ। खास बात यह है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की दिमनी सीट पर 15 साल बाद वोटिंग प्रतिशत घटा, कैलाश विजयवर्गीय की इंदौर 1 सीट पर 3% ज्यादा वोटिंग हुई। मध्य प्रदेश की संपूर्ण जनता ने पिछले चुनावों में देखा था कि 1% के वोट से कितना प्रभाव पड़ता है। पिछले बार वोट प्रतिशत कम होने के बावजूद भी कांग्रेस सत्ता में आ गई थी, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने इस बार यह सुनिश्चित किया है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जनादेश वाली सरकार दी जाए, ताकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो यह विकास की गति लगातार अनवरत चल रही है वह आगे भी मध्य प्रदेश में बढ़ती रहे और मध्य प्रदेश में चहुंमुखी विकास की धारा लगातार आगे बढ़े। दिमनी में 15 साल बाद घटा मतदान, इंदौर 1 में भी इस बार करीब 3% ज्यादा मतदान हुआ जबकि जबलपुर पश्चिम में 10 साल बाद फिर 5% से ज्यादा वोटिंग हुई। वहीं सीधी में इस बार 1% ज्यादा मतदान हुआ। नरसिंहपुर में हर बार 2% वोट बढ़ा लेकिन इस बार मामूली बढ़त देखी गई। वहीं निवास में हर बार की तरह इस बार भी करीब 3% वोट बढ़े। सतना में पिछले 4 चुनावों में इस बार सबसे कम वोटिंग प्रतिशत बढ़ा और गाडरवारा में 20 साल बाद वोटिंग प्रतिशत में कमी देखी गई। ब्यूरो रिपोर्ट INH 24/7।